एवरी वन नमस्ते शेयर कर देंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सो लेट स्टार्ट से वेरी वॉर्म इवनिंग से हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल हम किस तिथि को मनाते हैं तो वी ऑल नो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा योर करेक्ट आंसर हियर विल बी बी दैट इज दिसंबर ट्वेल्व क्लियर है सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले थोड़ा सा इसका यू uh, नो you know, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखिए इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 12th of December को, so you know yesterday we observed as International Universal Health Coverage Day, right? उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो global initiative है, ये emphasize करता है, यहाँ पर high quality and affordable healthcare मिल पाए सभी को, और ये हमारा you know fundamental human rights भी है, right? अगर हम United Nations की बात करें, so इसने identify किया था 2012 में कि हमें यहाँ पे international development को priority देनी चाहिए

देखिए बार बार आ, मेरा आपको यहाँ पे बताने का मतलब है ये कि आप तैयार कर लो हर सेशन में जब भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मैं यहाँ आप पे आपको करवाती ही करवाती हूँ सो so, मेरा मतलब बस इतना है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो है ना फिर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की बात करेंगे सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन दिसंबर टू ऑन दिसंबर टू इंटरनेशनल डे फॉर दबालिशन ऑफ स्लेवरी सेकंड ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर देंडी कैप थर्ड ऑफ दिसंबर देन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेकंड ऑफ दिसंबर

किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया दैट इज लॉन्च यहाँ पर किया गया है. क्या सभी को क्लियर है एक बार फटाफट जी सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को वाइज एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पर पे है ये इसने स्टार्ट किया था ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर को इसको स्टार्ट किया गया था ये जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था और इनोग्रेट किया किसने किया था हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था उसके बाद ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेसिकली इसका एम क्या है ताकि हम इस गैप को फुलफिल कर सके किसके बीच में भाई यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रैक्टिस होती है ठीक है आ, और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं हम यहाँ पे जितने भी रिसर्च और जितने भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं उसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पर रखते हैं सो हमारे हमारे प्यारे भारत इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं ठीक है जी के ईयर टू के लिए इन्होंने यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हम हमेशा यू uh, नो you know, जब किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो ऑब्वियसली वी डू यू नो इट ऑन प्रायोरिटी तो यहाँ पर भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और इस समय आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा रहा है नॉट ओनली इन यू नो इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन इन डेवलपमेंट ऑफ एप्स ये सब के अलावा भी मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिसेंटली 50 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड हाल ही में भारत और किस देश के बीच के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा साउथ कोरिया क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर दिसंबर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया का फिफ्टी ईयर्स आई मीन पचास साल पूरे हो चुके हैं जब भी पचास साल पूरा होता है हम गोल्ड जुबली मनाते हैं है ना इस ओकेजन पर जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यूंग सुकोल को जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया था दो कंट्रीज के बीच में नाइनटीन में और ये जो दो कंट्रीज हैं ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने 2010 में रखा था और इस पार्टनरशिप को अपग्रेड किया गया था टू ए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब हमारा विजिट हम जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सियोल गए थे 2015 में

िनो वन दिंगल टाइटल ऑफ गुवाहाटी मास्टर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री गुहाटी मास्टर्स 2023 ट्वेंटी थ्री के पुरुष एकल का किताब किस देश के मार्केलिनो ने जीता है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा इंडोनेशिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया कमेंट सेक्शन में आंसर करिए चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में देखिये गुहाटी मास्टर्स ध्यान से सुनेगा सभी लोग गुवाहाटी मास्टर्स ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है ठीक जब भी हम स्पोर्ट्स में दूरंद क्या पढ़ते? दूरंद संतोष एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है तो कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि गुवाहाटी मास्टर्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट यू नीड टू आंसर है बैडमिंटन क्लियर है सभी को चलिए तो गुवाहाटी मास्टर्स ये गुवाहाटी असम में हुआ था दिसंबर 2023 में जिसमें मेन में सिंगल टाइटल जो है टूर्नामेंट में जीता था ने मार्केलिनो एक इंडोनेशियन प्लेयर है साथ ही साथ, सिंगल टाइटल बारे, जीता गया था? सिंगल टाइटल थाईलैंड की है लान चाइवान इनके द्वारा जीता गया है ठीक है और फाइनल्स में इंडियन प्लेयर ने डिफीट किया था तुनसुंग सुंग, सुंग चेन हुई जो, जो तेपाई से है उनको डिफीट किया था ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये कब ऑब्जर्व कर, कर, you know, कर रहे हैं ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा यू नो दिसंबर ट्वेल्व में ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये हम ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली एम क्या है इस दिन का ताकि हम यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि आ, अगर हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रलिटी का इंटरनेशनल रिलेशंस में और हम प्रिवेंटिव जो डिप्लोमेसी का यूज़ कर का हम यूज़ कर सकते का हम यूज़ करते हैं उसको और ज़्यादा प्रमोट कर सके कि हम यहाँ पे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी का और ज़्यादा यहाँ पर यूज़ कर सके तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को बेसिकली ऑफिशियली अगर हम बात करें तो एक रेजोल्यूशन रखा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा फेवरी 2017 में और पहली बार हमने 2018 में ऑब्ज़र्व किया इसको ठीक है अब इस बार सिक्स एडिशन रहा है 2023 में अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे सो so गाइज हमारी सफलता 2.0 लॉन्च हो चुकी है इफ यू हैव स्टिल नॉट दी कोर्स कोर्स फटाफट से जाके course को एनरोल कीजिए एंड मैं लिटरली बता रही हूँ अबाउट टेस्ट सीरीज इफ यू टॉक अबाउट ई बुक्स बुक्स एंड योर बैचेस एंड योर गाइडेंस ऑल्सो तो भाई यहाँ पर एग्जामिनेशन uh, को क्रैक करने के लिए जो सबसे एक प्रीमियम रोल पे करता है वो गाइडेंस पे करता है एंड गाइडेंस इज ओनली वन थिंग विच विल ड्राइव यू यू नो टूवर्ड्स योर एम सो सफलता टू पॉइंट जीरो और जो हमारी बैचेज अभी आगे भी रिलीज होंगी डोंट वारी न्यू बैचेज भी रिलीज़ हो रही हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सीरियसली क्रैक दिस एग्जामिनेशन येस यू विल गो एंड एनरोल इड यूज़ दी कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज़ करना है वाई फोर फाइव फाइव इसको यूज़ करके आपको पैसा काफ़ी लेस हो जाएगा एंड uh, भाई वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड यू विल बी एबल टू यू नो अर्न योर सक्सेस फ्रॉम इट है ना चलो तो कूपन कोड जो लोग पूछते हैं मैं एक बार बता दे रही कूपन कोड है है ठीक चलिए चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, Ship, uh, in Port, uh, Port Lamu, आगे बढ़ते हैं हैं शिप सुमेधा डैश द कंट्री इन पोर्ट लामू आंसर विल बी सो थोड़ा से इसके बारे में uh, यहां पर नेक्स्ट है है, ना, जो so, uh, जो आपका है, that is, COP28, में, uh, यहाँ पर जो आपका में पर अमेरिका के के साथ समझौता किया है, COP28 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है ये मैंने आपको कल ही बताया था ये दुबई में किया जा रहा है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोब अवार्वेंटी फोर

गोल्डन ग्लोब अवार्डेंड ट्वेंटी ट्वेंटी है ठीक है वेरियस कैटेगरीज में दिया जा रहा है ऑन जनवरी फोर ये एक ग्लोब गोल्डन ग्लोब है इस बार वर्जन है सेरेमनी डेट है इसकी सेवन जनवरी टू पहला फर्स्ट uh, अवार्ड uh, दिया गया था इसमें जनवरी ट्वेंटी नाइनटीन में बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है जो फिल्म एंड टेलीविजन में एक्सेलेंस करते हैं कंट्री क्या है यूनाइटेड स्टेट्स एंड बारबी वेरिस ओपन हैमर अब ब्लॉक ब्रेस्टर क्लाजी छोड़े सब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है वेयर इट इट इज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन यूनाइटेड स्टेट्स चलो आगे बढ़ते हैं डैश बैंक लॉन्चेज नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट फॉर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी ओ आई बैंक ऑफ इंडिया ठीक चलिए बैंक ऑफ इंडिया है ये लॉन्च कर रहा है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट वेमेन्स के लिए स्पेशली ये जो अकाउंट होगा ये बेसिकली जो हमारी महिलाएं हैं लड़कियां हैं जो 18 इयर्स या उससे ऊपर की हैं उनके लिए किया जा रहा है जो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है आई मीन I mean, Uh, जिनके पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स है इनकम का जो कमा रही हैं एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कवरेज होगा वो रुपीज हंड्रेड लाख तक होगा इसमें एंड यू नो साथ ही साथ ये जो अकाउंट है ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे वेमेंस को ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि ताकि हम वुमेंस को अपने फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट बना सके सेल्फ रिलायंट यहाँ पर बना सके मतलब क्या है इसका मकसद महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है सिंपल एज दैट चलिए सो गाइज वी हैव कम्पलीटेड दी टेन मिनट शो आई होप यू लव दी सेशन कॉमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा क्लास ठीक है एंड इसके साथ ही साथ जस्ट वॉच दिस सीरीज टिल टू यूर एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यू नो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट एंड शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स यू नो जो आपके मोहल्ले वाले हैं आपके रिश्तेदार हैं आपके दोस्त हैं टेन मिनट शो उनको शेयर कीजिए एंड टेल देम दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट है ना चलिए सो कूपन कोड आप पूछ रहे थे तो ये कूपन कोड है वाई फोर फाइव फाइव स्क्रीन शॉट ले लो सभी लोग इसको यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ई बुक्स बुक्स टेस्ट सीरीज वगैरह पर चलिए सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ टूडे आई होप यू लव सेशन मिलते हैं uh, कल अपने टेन मिनट शो में एंड और साथ ही साथ सुबह वाले सेशन में ज़रूर मिलते हैं चलिए थैंक यू एवरी वन लव यू ऑल जय हिंद